नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी लंबे वक्त तक राज करती रही और एक मजबूत वोट बैंक को भी अपने कब्जे में रखने में कामयाब रही। लिहाजा बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस वक्त पार्टी के वर्चस्व को लेकर, विरासत को लेकर चिंतन मंथन के दौर से गुजर रही। बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से देश में अपनी राजनीतिक साख को बचाएगी, इसको लेकर भी लगातार पार्टी यहां पर विचार विमर्श करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि हाल ही में देश भर में तमाम यहां पर राज्यों में जिस तरीके से पूरे देश भर में जो लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए 543 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में मायावती की तरफ से विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में मायावती ने तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया। इससे पहले आपको बता दें कि इसी साल 15 जनवरी को मायावती के जन्म दिवस के ऊपर यहां अखिलेश यादव ने उनको एक बड़ा ऑफर दिया था। उन्होंने कहा कि बुआ जी, यदि साथ मिलकर के चुनाव लड़ती हैं तो वोट बैंक का जो बिखराव है वो एकजुट हो सकता है और राजनीतिक लाभ मिल सकता है। लेकिन मायावती ने कहा कि अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और अकेले ही जीत हासिल करेंगे। लिहाजा पार्टी का सबसे निराशाजनक प्रदर्शन इस लोकसभा चुनाव में रहा है। 0-0 भी सीट नहीं जीत पाई यहां पर बहुजन समाज पार्टी। और जिस तरीके से लगातार जो कोशिशें की जा रही थी मायावती की तरफ से कि अखिलेश यादव के वोट बैंक में सेंधमारी कर ली जाए, उसमें वो नाकाम होती हुई नजर आई। लिहाजा पीडीए का नारा देते हुए यहां पर पिछड़ा, दलित और इसके साथ साथ आदि आबादी, अल्पसंख्यकों को साधने में अखिलेश यादव कामयाब होते हुए नजर आए। इस लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो जिस तरीके से उनकी मौजूदगी नजर आई वो वाकई सराहनीय थी। लेकिन अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव होने वाली इन तमाम सीटों में से यहां समाजवादी पार्टी फिर से फेवरेट के रूप में दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव जोश से लबरेज हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास का संचार करते हुए जोश का यहां एक नया दौर शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा समाजवादी पार्टी इस वक्त उपचुनाव को लेकर काफी गंभीर है। अखिलेश यादव ने कल लखनऊ में पार्टी दफ्तर पर एक बैठक बुलाई। उस बैठक में शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। शिवपाल यादव के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद रहे और इस चीज को लेकर के चर्चा, चिंतन मंथन किया गया कि चुनाव किस आधार पर लड़ा जाए। लेकिन अब बीएसपी की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। सियासी आधार को खो चुकी यहाँ पर मायावती क्या वाकई में अब बाउंस बैक कर पाएंगी? क्या आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना करके अपनी राजनीतिक साख को वापस बचा पाएंगी? क्या आकाश आनंद की मौजूदगी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मजबूत आधार बनती हुई यहाँ मायावती के लिए नजर आएगी? क्योंकि तमाम बयानबाजियों के चलते योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इन चेहरों पर हावी होते तो आकाश आनंद नजर आए थे। लेकिन जब उन्होंने विवादित बयान दिए और उत्तर प्रदेश में आतंक का, तालिबान का राज बताया, उसके बाद मायावती ने उन पर कड़ा एक्शन लिया था। लिहाजा पार्टी को बचाने की चुनौती एक तरफ है तो दूसरी तरफ विरासत को संभालने के लिए आकाश आनंद की ताजपोशी भी कर दी गई है। लेकिन देखना यह होगा कि विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर मायावती किस तरीके से अपना राजनीतिक ताना बाना बुनती हुई नजर आती है। क्या वाकई में कोई बड़ा फैसला लेती हुई नजर आएंगी? क्या वाकई में जिस तरीके की राजनीति यहाँ पर चल रही है उत्तर प्रदेश में, उस राजनीति में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करेंगी? बड़े सवाल खड़े हो गए हैं और इन सवालों को लेकर के अब मायावती की पार्टी के तमाम पदाधिकारी चिंतन मंथन कर रहे हैं और विचार विमर्श का दौर जारी है। लिहाजा आगामी वक्त में यहाँ पर मायावती गठबंधन के मूड में नजर आ रही हैं और यदि ऐसा होता हुआ प्रतीत हुआ तो वाकई में आगामी वक्त में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण बदलते हुए भी नजर आ सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।